हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। बच्चों, मैं अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में काफी अच्छे से समझाया। अभी मैंने अपने लाइव बैच में क्वेश्चन सोल्व कराया बच्चों को, तो मैंने सोचा आपके लिए भी वीडियो बना देता हूँ। दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 25 और TS ग्रेवाल का क्वेश्चन है बच्चों, ये क्लास 12th के लिए रेलिवेंट है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। ये बच्चों मेरे पास पुराना एडिशन, आई थिंक 2016 एडिशन है ये मेरे पास। हाँ जी, 2016 एडिशन है। तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं, तो सभी बच्चे क्वेश्चन देख लीजिए। 1 अप्रैल 15 ए और बी कमेंस। कमेंस का मतलब नया बिजनेस है। इनिशियल कैपिटल 2 लाख इन देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अनुसार प्रॉफिट 2:3 में बटना है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी है जो इनिशियल कैपिटल लगाई है। इंटरेस्ट ऑन रैंक 8% पर एनम चार्ज होना है और एंड में प्रॉफिट गिवन है 1,92,800 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रैंक। पार्टनर्स विदड्रू, पार्टनर्स ने 30 ऐड निकाले एट द एंड ऑफ ईच एवरी क्वार्टर। तो इस पॉइंट को समझना है, हर एक क्वार्टर के एंड में पैसा निकाल रहा है। तो एक साल में क्वार्टर 4 होते हैं, तो 1,20,000 की ड्राइंग आएगी। टाइम पीरियड देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को करा दिया, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी लेटेस्ट क्वेश्चन बनाने के लिए। क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट इतने का गिवन है 1,92,800। पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है। पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई है वो 1 अप्रैल 19 को लगाई है। और तो इसे क्योंकि नया बिजनेस है, तो बाय कैश या बैंक करके हम कैपिटल लिखेंगे। बाय बैलेंस बीडी नहीं डालेंगे, क्योंकि बैलेंस बीडी का कॉन्सेप्ट ओल्ड बिजनेस में होता है। तो 2 लाख और 3 लाख रुपए की कैपिटल। अब यहां पर जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो 2 लाख रुपए पर डायरेक्टली निकल जाएगा। क्वेश्चन में 6% दिया हुआ है 12,000। 3 लाख पर डायरेक्टली मिल जाएगा 6% 18,000 रुपए। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड आएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। यहां पर प्रॉफिट कम होगा और यहां पर आपका वो कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्टनर्स ने ड्राइंग करी है। अगर आप ड्राइंग का कॉन्सेप्ट देखो तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर में, हर एक क्वार्टर के एंड में उन्होंने ड्राइंग करी है। तो 30,000 × 4 दोनों की ड्राइंग 1,20,000 और 1,20,000। क्योंकि ड्राइंग करने से पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, तो डेबिट साइड में आ जाएगा ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं तो आपको एक बात पता है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है। तो वैसे तो टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एंड में मैंने आपको बताया मिडल वाले में 6/12 होता है और मैंने डेढ़ का चक्कर समझाया दोस्तों। स्टार्टिंग में निकालता है तो 7.5/12, एंड में निकालता है तो 4/12 का टाइम पीरियड लगता है। ठीक है बच्चों, बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग के बाद 9 मंथ्स बच रहे हैं। नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 / 2, तो 4.5 महीने आ गया। यानी कि एक तरीके से 1,20,000 रुपए ऑन एन एवरेज 4.5 महीने यूज कर रहे हैं। तो ये मैंने इंटरेस्ट निकाल दिया, क्योंकि दोनों का सेम है तो एक का ही निकाल दिया, काम चल गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए कमाई है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा और साथ में पार्टनर्स की कैपिटल से चार्ज किया जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगी तो डेबिट साइड आ जाएगा। ठीक है, और कुछ ऐसा था नहीं क्वेश्चन में, तो हमने इन दोनों का टोटल कर दिया। इन दोनों का टोटल करने के बाद जो 2 लाख आया, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया एंड दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट। ये क्या बन गया है, डिविजिबल प्रॉफिट। इस डिविजिबल प्रॉफिट को हमने PSR में बांट दिया 2:3 में, और डिविजिबल प्रॉफिट जब पार्टनर्स को मिलेगा तो इससे उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो इसको हमने क्रेडिट साइड में डाल दिया। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद हमने देखा कि किस तरफ का टोटल ज्यादा है एंड टोटल करके हमने बैलेंस निकाल दिया। लाइक इस तरफ का टोटल 2,80,000 आया है और इस तरफ का टोटल 3,30,000 आया है, और दिस इज बैलेंसिंग फिगर, ये हमने घटाकर निकाला है। एंड दिस रिप्रेजेंट क्रेडिट बैलेंस। बच्चों एक बात ध्यान रखना, आधे बच्चों को पता नहीं रहती है, हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है बेटा डेबिट साइड से, और जब क्रेडिट साइड बड़ी होती है डेबिट साइड से, तो वो बैलेंस कौन सा आता है, क्रेडिट बैलेंस। और ये बिजनेस के लिए क्रेडिट बैलेंस है, तो इट विल बी शोन टू द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। समझ आ गया बच्चों? तो मैंने काफी कम टाइम में आपको क्वेश्चंस कराए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादातर क्वेश्चंस आपको कराऊं एंड मैं आपको यूट्यूब पर वीडियोस डालूं। बच्चों आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड बच्चों हमारा एक चैनल और है अकाउंट्स 100%, आप वहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हो।
अगर आप ऑनलाइन फेस टू फेस लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, बच्चों हम एक ऐप के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, इसमें हम डाउट्स पूछ सकते हैं बच्चों के, मैं डाउट्स की रिप्लाई कर सकता हूँ फेस टू फेस। मैसेज वाला सिस्टम नहीं है, वॉइस वाला सिस्टम है। अगर आप चाहते हो आप हमारे साथ जुड़ना, तो बच्चों आपको एक नंबर दिया होगा मैंने, आप उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर 9716980980। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड प्लीज कमेंट करके बताइए आपको किन कौन से कंटेंट्स पर वीडियोस चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।